तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्र और आप सब मेरे चैनल रुद्र टॉक्स पे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही बॉलीवुड का काली सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और इसमें बहुत बड़ा रोल मैं कहूँगा कंगना रनौत मैम का है, क्योंकि उन्होंने लगातार बॉलीवुड की सारी सच्चाई, जो कि हम लोग तो यहाँ से नहीं देख सकते, मगर उन्होंने क्योंकि खुद काम किया हुआ इतना, तो उन्होंने ऐसे लोगों का नाम लिया जो कि निहायती दोगले किस्म के लोग हैं, जो नए टैलेंट को आए हुए गाँव से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं उनको कितना परेशान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक खबर बताने जा रहा हूँ, बल्कि एक रिपोर्ट है मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने नोटिस किया था बिग बॉस के टाइम में, जब कि मणिकर्णिका के प्रमोशन के लिए आई हुई थी बिग बॉस के हाउस में कंगना रनौत। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान उस समय बिग बॉस को होस्ट करते हैं, जैसे हर साल वो करते हैं, अब भी कर ही रहे थे। तो तभी कंगना रनौत ने क्या कहा था सलमान को और कैसे उनके मजे लिए थे, बल्कि उनकी असली जगह उनको दिखा दी थी, वो क्या बात था दोस्तों, वो जानने के लिए दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहे। अगर अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को ना यार, तो यार अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार ये टाइम है कंगना रनौत मैम को सपोर्ट करने का और मैं उनसे रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ जैसा कि ये। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि सिर्फ वही स्टैंड ले रही है बॉलीवुड के काली सच्चाई को लाने के लिए सबके सामने। तो यार प्लीज़, अगर आपको भी चाहते हो कि बॉलीवुड की काली सच्चाई लोगों के सामने आए, सुशांत भाई के आत्मा को शांति मिले और सच सबके सामने आए, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर भी करो। तो दोस्तों, जब वो आई थी तो उन्होंने सलमान खान ने चिल्ला के उनसे बात किया पहले, तो सोचा कि जैसे मैं अरिजीत सिंह को मैंने अवार्ड शो में डरा दिया था चिल्ला के उनसे बात करके, वैसे कंगना को डराऊंगा। तो कंगना ने भी और तेज चिल्ला के बात किया, फिर सलमान खान ने समझ लिया कि नहीं, ये ऐसे लड़की डरने वाली तो है नहीं, ये तो शेरनी से पाला पड़ गया मेरा। तो सलमान खान फिर हंसने लगे और कहते, अरे वाह कंगना जी, आप आइए शो में, आइए आइए। तो फिर सलमान को कंगना ने कहा कि अरे वाह, आप और आइए, आज पहली बार सुन रहे हो। यहाँ पर दोस्तों कंगना ने इशारा किया कि सलमान किस तरह से बात करते हैं लोगों से, उन्होंने क्लियरली नहीं कहा मगर इशारा कर दिया। ये भी लोग नहीं कर पाते, इसको भी करने के लिए गट्स चाहिए, जो बहुत लड़के भी नहीं कर पाते, एक लड़की ने कर दिया, जाके सोच सकते हो आप दोस्तों। उनकी सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश की दोस्तों, कोशिश क्या मैं कहूँगा, उन्होंने लगभग क्लियरली बोल ही दिया और सलमान ने तभी कुछ भी नहीं बोल पाए, वो नीचे देखने लगे। समझ सकते हो दोस्तों, सलमान खान को उन्होंने झुका लिया अपने सामने। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई और ये था वो वाक्य जो मैंने नोटिस किया था बिग बॉस शो के टाइम, जब मणिकर्णिका का प्रमोशन करने कंगना रनौत बिग बॉस हाउस गई थी। और दोस्तों, ये मीडिया में भी बहुत आया था और कंगना की बहुत तारीफ हुई थी। दोस्तों, अगर आप भी कंगना रनौत के फ़ैन हो या आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो सुशांत भाई को इंसाफ दिलाने में, तो यार प्लीज़ उनका जितने भी वीडियोस हैं उनको देखो, शेयर करो मेरे चैनल पे। अगर शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते किसी और के भी चैनल पे करते हो तो यार करो, मुझे मतलब नहीं इस चीज़ से यार, बस लेकिन होना चाहिए सुशांत भाई के लिए, इतना मैं चाहता हूँ दिल से। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, लव यू मेरे ऑल फ्रेंड्स, थैंक।